भक्ति भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। भवार्टिका का वर्णन हुआ किस प्रकार मनुष्य इस संसार में आता है और फिर किस प्रकार संसार में आता और भटक जाता है। ये संसार भवार्टिका है, ऐसे समझे कि अभी हम कोई एक भाई था, वॉक कर रहा था, घूम रहा था, अचानक से सांझ का समय होने वाला था, एक दो घंटे बाद शाम हो जाती, लेकिन उसने सोचा कि चलो घूम लेते हैं। लेकिन अचानक से एक बाउंड्री के उस पार बहुत बड़ा घना जंगल था। उसने सोचा कि हमेशा लिखा रहता है इस बाउंड्री पर, दीवार के बाहर मत झांकिएगा, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बुद्धि बड़ी तार्किक है ना, जो चीज़ें नहीं करने योग्य होती बुद्धि सोचते करके ही देखते हैं, और जो कर लेते वो फंस जाते। महाराज जहाँ लिखा होगा इस चीज को नहीं पढ़ना, तो बुद्धि जानबूझ के पढ़ेगी, मन नहीं मानेगा। वहां लिखा है दीवार पर मत झांकना, फिर भी सोचे कि डेली देखते क्या बात है यहाँ पर, जो नहीं झांकना एक बार देख कर आता। तो ये गया वहां पर छलांग, तो जंगल था, सोचा कितना सुंदर प्राकृतिक वातावरण, थोड़ा सा जंगल में घूम आते हैं, फिर तो तुरंत ही आना ही है, दीवार फांद के जैसे आए हैं वैसे वहां कूद जाएंगे। तो ये दीवार से कूद करके जंगल में आ गया। अब जंगल में इतना सौंदर्य था, उन सुंदर सुंदर छोटे छोटे खरगोश पक्षियों को जानवरों को देखकर और बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया। इसे पता ही नहीं चला कब अंधेरा होने को आया। जैसे ही अंधेरा होने को आया, इसने देखा, ये दौड़ लगा दी इसने, लेकिन वहीं पर बड़े बड़े हिंसक जीव जंतुओं ने देखा ये मनुष्य घूम रहा है, दौड़ पड़े उसे मारने के लिए, उसका पीछा करने लगे। इसने देखा वहां से भागा, जैसी दीवार के पास आया तब तक अंधेरा हो चुका था, वहां सामने एक चुड़ैल खड़ी थी। अब इसने देखा पीछे जाऊं तो जीव जंतु खा जाएंगे, यहां जाऊं तो ये डंकनी खा जाएगी। उसने बीच का रास्ता निकाल लिया, वो बीच से भागा, भागते भागते भागा जा रहा है सबसे बचने के लिए। उसे पता नहीं था वहीं एक विशाल गड्ढा था, और विशाल गड्ढा का उसे पता नहीं चल रहा, अंधेरा था। अचानक से एक बेल से उसका पैर बंधा और वो गड्ढे में जाकर गिर पड़ा। अब लटका पड़ा है, पैर उसके बंधे हैं उस डाल से जिसमें वो बेल लिपटी हुई है, और वो अंदर गड्ढे के अंदर, और गड्ढे के अंदर एक हाथ की दूरी पर एक सर्प बैठा है। सर्प नहीं छोड़ेगा, अब क्या करूं। उसने ऊपर झांक के देखा तो डाली पर बैठकर दो चूहे उसी डाली को कुतर रहे थे। उसने सोचा कि अब ऐसे में कहां बचा जाए, यहां तो मेरी मौत पूरी संभव है, वहां से बचकर आए तो यहां गिर पड़े तो सर्प से बचे तो वो दो लगे हुए मुझे मारने के लिए। उसी समय एक मधुमक्खी का छत्ता उसको देखा अचानक से, क्योंकि डाल छूटी थी तो वो टकराया वहां से झूलने के कारण, तो वो मधुमक्खी का छत्ता एकदम से उड़ा और वो मधुमक्खी सारी की सारी उसके शरीर पर लग गई, काट रही है उसे, बहुत डंक की चोट पड़ रही है उसे, बहुत चीख रहा है, लेकिन अचानक से वो हंस रहा है। सबको बड़ा आश्चर्य, ऐसा क्या हुआ जो ये हंस रहा है। देखा उसके मुख में वो मधुमक्खी का जो शहद है ना, वो टपक रहा है धीरे धीरे, बस उसको चाटते जा रहा है, उसे खुशी मिल रही है। ये दार्शनिक कार्यों ने देखा, जानते हो ऐसा ही हमारा जीवन है, यही भवार्टिका है। हम थे तो प्रभु के आत्मस्वरूप, लेकिन इस जंगल रूपी धरा पर हम स्वतः ही आए हैं, और जब आए हैं तो जंगल के अंदर इस पूरे संसार को जब देखते हैं ना, बड़े बड़े सुंदर स्त्री पुरुष देखते हैं, बड़े बड़े सुंदर सारी चीजें देखते हैं, लुभाते चले जाते हैं, उम्र निकलती चली जाती है, और क्या होता है आगे, फिर जीव जंतु आते हैं, वो होती है बीमारियां, उनसे हम भागते हैं पीछे की ओर, तो सामने खड़ा वो डंकनी की तरह बुढ़ापा जो हमें घेर लेना चाहता है, पकड़ लेना चाहता है, हम उससे भी दूर भागते हैं, तो क्या होता है फिर हम गड्ढे में जाकर गिर जाते हैं। वो सर्प ही मृत्यु है, हर पल हमारे समक्ष खड़ी हुई है। वो चूहे
काले और सफेद चूहे ही रात दिन हैं, जो रात दिन की तरह हमारे जीवन लीला को खा रहे हैं, हमारी डाली को कुतर रहे हैं। वो जो छत्ते हैं मधुमक्खियां जो हम उस मनुष्य के ऊपर काट रही हैं, वो ही हैं सारे विचार, दुख आदि, रात दिन के अच्छे बुरे विचार और दुख पीड़ा। लेकिन उस छत्ते में से जो दो चार बूंदे शहद टपक रहा है ना, वही है छोटे मोटे सुख, जिन्हें लेकर के हम अपनी सारी विपदाओं को भूल जाते कि हमारे साथ कुछ हुआ है। कहा यही भवाटिका है कि हम किस प्रकार संसार में बहुत दुखी होने के बाद भी कुछ सुखों को लेकर के सारे दुख भूल जाते कि कुछ हमारे साथ ऐसा भी हो रहा है।